हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको एसक्यूएल का बहुत सारा टॉपिक कवर किया है, तो आज मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि एसक्यूएल में बहुत सारा कमांड का क्या यूज़ होता है, जिसको आप एसक्यूएल कमांड भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर पर ही मैंने बहुत सारा कमांड का डिटेल लिख दिया है कि डीडीएल कमांड होता है। सबसे पहले तो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज इसे बोलते हैं। इसमें आपका पास्ट जो है कमांड आता है, फर्स्ट में क्रिएट, अल्टर टेबल, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। क्रिएट मतलब कि मीन्स कि आप जो है टेबल क्रिएट करते हैं। अल्टर टेबल का मतलब होता है कि आप जो है टेबल में चेंजेस करते हैं, रीनेम करते हैं टेबल को, उस टाइप में उसे कहते हैं। ड्रॉप मीन्स ड्रॉप मतलब कि जो होता है कि जो आप कोई भी कॉलन को ड्रॉप करना चाहते हैं तो भी आप डीडीएल कमांड के जरिए ही ड्रॉप होगा ये। फिर जाएगा ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है कि जो आप अगर आप सारा टेबल ही डिलीट करना चाहते हैं तो आप जो है इसका जो है यूज कर सकते हैं। रीनेम मतलब कि कॉलम को जो है रीनेम करना भी डीडीएल कमांड के अंदर में आता है। तो डीआरएल और डीक्यूएल क्या होता है एसक्यूएल में? तो डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज और डेटा क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको जो है इसके अंदर बस केवल एक ही कमांड आता है, केवल सेलेक्ट करने वाला। तो जो है सेलेक्ट करने वाला कमांड आता है, तो फिर तब जाकर डीएमएल, डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। तो देख सकते हैं कि डीएमएल भी इसके अंदर आता है। डीएमएल कमांड भी एक होता है, डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। इसमें आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इसमें आप किसी भी चीज को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो फिर जाकर आपका जो है चौथा कमांड आता है डीसीएल, जिसको बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आप जो है ग्रेंट, रिवॉक मतलब कि जो इसमें जो आप किसी भी टाइप का जो है ग्रेंट कर सकते हैं, मतलब कि जो उसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं, प्रिविलेज टू डेटाबेस को। और रिवॉक मीन्स होता है रिवॉक यूजर एक्सेस प्रिविलेज। तो टीसीएल कमांड क्या है हमारा? टीसीएल कमांड ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है फ्रेंड्स एसक्यूएल में। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट एंड रोल बैक। तो इसमें आप जो है जैसे ही कमिट को जो अप्लाई करेंगे ना, तो और जैसा कि आपको पता होगा कि एसक्यूएल में जो है अंडो नहीं होता है। जैसे कि हम किसी और में एमएस एक्सेल में कंट्रोल जेड जेड करते हैं तो जो आप जो बैक हो जाते हैं, तो इसमें अंडो नहीं होता, तो इसलिए हम जो इसमें कमिट एंड रोल बैक का जो है यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि जो यह जो हमारा छोटा छोटा सा कमांड आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में।